यहाँ पर की मैच मैं हेलमेट पे कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहलाती है, उसको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ फेडरल गवर्नमेंट ने दी और कुछ जिम्मेदारियाँ सुप्रीम कोर्ट ने असाइन करने का दिया दिया। मेरा ख्याल ये है कि कराची और हैदराबाद में जो बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, यहाँ पर गिलाजत के जो ढेर हैं, जो बारिश का पानी जगह जगह जमा है, कराची और हैदराबाद में जो लोकल गवर्नमेंट हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुंतखब लोगों पर मुश्तमिल है, और सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी पर पीपल्स पार्टी के इख्तदार में आने के बाद कायम हुई। दोनों गवर्नमेंट हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यानी सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट हैदराबाद की भी और कराची की भी, इन दोनों गवर्नमेंट का फेलियर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यहाँ काम असाइन करने की बजाय, या काम अगर असाइन कर भी दिया है इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये डिजास्टर नहीं था, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि तो एक फेलियर था गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, सिंध गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। लोकल गवर्नमेंट को भी इख्तियारात में हो सकता है कि उनको शिकवा हो कि इख्तियारात में कमी थी, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि अगर इख्तियारात में कमी थी और वो इख्तियारात ना होने का रोना रोते हैं तो उन्हें फिर लोकल गवर्नमेंट से दस्तबरदार हो जाना चाहिए था, कराची से भी और हैदराबाद से भी। लेकिन अगर उस गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट के साथ मामला उनके बेहतर रहे, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मामला बेहतर रहे, तो उन्होंने इस आवाम के साथ जो अर्बन एरियाज की आवाम है उसके साथ ज़्यादती की। सिंध के शहरी इलाके यानी कराची और हैदराबाद खुसूसन, यानी बिल्कुल खास भी और बाकी शहर के जो इलाके हैं वो भी इन्हीं मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, यही हालात वहाँ पर भी दरपेश हैं, लेकिन कराची और हैदराबाद सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। कराची और हैदराबाद में सिटी गवर्नमेंट, ये जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों जिम्मेदार हैं। मेरा आज इस मीडिया के साथ गुफ्तगू में इसको जरिया बनाकर मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से महाजन कौमी मूवमेंट की तरफ से ये पैगाम जाए, ये मुतालबा मैं करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह NDMA को मज़ीद काम असाइन करने का अंदिया दिया है, वो इस शहर की भलाई के लिए, कराची और हैदराबाद की भलाई के लिए जो उनको काम असाइन कर सकते हैं करें, लेकिन साथ में इस बात का एहसास करना होगा कि ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये फेलियर है, और फेलियर के लिए जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनका तायुन करने के लिए अदालती कमीशन बनना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट का एक खतीर बजट जो शहरी इलाकों से टैक्स की शक्ल में वसूल किया जाता है, हैदराबाद से कराची से लोकल गवर्नमेंट जो टैक्सेस वसूल करती है, उन टैक्सेस की मद में जो आमदनी होती है वो इस शहर को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए, यहाँ के मसाइल हल करने के लिए खर्च क्यों नहीं की गई, इस पर अदालती तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये फेलियर है, डिजास्टर नहीं है, ये मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि ये फेलियर था सिंध गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट का कराची और हैदराबाद में, और इस फेलियर का जिम्मेदार अदालती कमीशन तय करे कि इसमें कौन कितना जिम्मेदार है, इसलिए कि शहरी इलाकों के लोग टैक्स देते रहें। देखिए, मुझे हैरत इस बात की होती है कि सिंध गवर्नमेंट का बजट लगभग 1260 अरब रुपए था, हो सकता है इसमें आदाद शुमार में कोई 2-4-5 का हिंसों का फर्क पड़ जाए, लेकिन इस 1260 अरब रुपए के बजट में सिंध से जो टैक्सेस सिंध गवर्नमेंट वसूल करती है, 90% कराची देता है,
और अगर कहीं थोड़ा बहुत टैक्स बचता है तो वो सिंध के अर्बन एरियाज देते हैं। लेकिन आज सिंध के शहरी इलाके जो कराची और हैदराबाद जिस हालत से गुजर रहे हैं, जिन हालात का सामना कर रहे हैं, उससे अलावा इसके हम कोई नतीजा नहीं कर सकते कि हमारे साथ बदतरीन असलियत का मुजाहरा किया जा रहा है कि टैक्स देने के बावजूद सिंध के शहरी इलाके बुरे हालात का सामना कर रहे हैं। हम फेडरल गवर्नमेंट को एक खतीर रकम बजट की टैक्स की सूरत में देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट इस बात का एतराफ़ कर चुका कि कराची वफाक को 73% टैक्स देता है। अगर कराची वफाक को 73% टैक्स देता है तो हमें ये सवाल करने में कोई आर नहीं है जी जी भाई कि कराची की अबतर सूरत हाल का प्राइम मिनिस्टर को एतराज है जी भाई। और प्राइम मिनिस्टर ने अपने इस रियलाइजेशन का इजहार उस वक्त किया जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि लाहौर में दरियाए रावी के उस पार 5,000 अरब रुपए से कैंसिल कर दिया रात वाले 5,000 अरब रुपए से नया शहर बसाया जा रहा है। और वो इस नए शहर को बसाते हुए फखरिया उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि ये फैसला अगर इमरान खान नहीं करता तो लाहौर का हशर भी कराची की तरह होता, लाहौर भी कराची की तरह बर्बाद हो जाता। ये प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो 73% फेडरल गवर्नमेंट को रेविजन दे रहा है शहर, उसकी तबाही का इल्म है प्राइम मिनिस्टर को, और वो उस तबाही की मिसाल दे रहा है कि लाहौर के साथ दरियाए रावी के उस पार 5,000 अरब से वो नया शहर बसाने का उसने फैसला किया और उसका ऐलान किया, उसकी उसने इफ्तिदाह कर दिया। और उस ऐलान के बाद उसने इस बात का इकरार किया प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर वो ये शहर न बसाने का फैसला करता तो लाहौर की लाहौर उसी तरह तबाह हो जाता जिस तरह कराची तबाह हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कराची की तबाही से ला इल्म है, कराची की तबाही का इल्म है, लेकिन वो लाहौर को उस तबाही से बचाने के लिए 5,000 अरब रुपए का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कराची के अंदर होने वाली तबाही का अजाला करने के लिए और कराची के लोगों को और हैदराबाद के लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए कोई पैसा सेंक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा है कि केपीके में बीआरटी के नाम से, किस नाम से, वो जो लोकल बीआरटी के नाम से वहाँ उन्होंने बस सर्विस शुरू कर दी। कराची में ग्रीन लाइन सर्विस थी, उसका बजट सेंक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे हालात महाजिर अवाम को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि महाजिर अवाम के साथ जबान की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर ज्यादती की जा रही है, नाइंसाफी की जा रही है, और इन नाइंसाफियों का कहीं हुकूमती सतह पर, और अगर मैं ये कहूँ कि अदालती सतह पर भी मुझे कोई इसका अजाला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट इस बात का इकरार ज़रूर करता है कि 73% रेवेन्यू कराची देता है, लेकिन कराची के साथ होने वाली नाइंसाफियों का अदाला करने के लिए अदालती तौर पर भी कोई फैसला हमारे सामने नहीं होता। मैं सुप्रीम कोर्ट से आपके तवस्सुल से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये शहर हैदराबाद कराची की तरह बदतरीन मसाइल का शिकार है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का फेलियर है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के फेलियर के साथ साथ हैस्को ने के इलेक्ट्रिक की तरह गुंडागर्दी मचा रखी। मैं जब यहाँ लोगों से मिला और लोगों ने मुझे बताया कि के इलेक्ट्रिक की तरह हैस्को यहाँ पर एक्स्ट्रा बिलिंग करके आपको मजबूर करती है कि ये आप बिल पे कीजिए, और अगर आप बिल पे नहीं करते तो वो रातों को बाकायदा पूरी टीमें लेकर, यानी एक तरीके से हुंडू की टीमें लेकर के वो डंडों के साथ इलाकों के विजिट करते हैं और इलाकों के लोगों के कनेक्शन काट देते हैं। अगर आपके यहाँ मुझे साथ यहाँ लोगों ने बताया कि अगर ट्रांसफार्मर जल जाए या ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आ जाए
और अगर आप कंप्लेंट कीजिए तो ट्रांसफार्मर उतार के ले जाएंगे और ट्रांसफार्मर दोबारा उस वक्त लगेगा जब इलाके के लोग कलेक्शन करके उस ट्रांसफार्मर की फीस अदा करेंगे। ये शहर हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, लेकिन जो रवैये हैं उससे ऐसा लगता है कि हम इन शहरों के अंदर अजनबी या गुलाम हैं और हम पर कोई और हुक्मरानी कर रहा है। यहाँ हम महकूम कौम की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि जो हम पे जो टैक्सेस मुसलत करना चाहे, जो हमारे साथ ज्यादती करना चाहे वो करके चला जाए। हमने अपने लोगों से मशवरा किया है, यहाँ ताजिर बिरादरी से जब हमारी मुलाकात हुई उनसे हमने मशवरा किया है और हमने ये फैसला किया है कि हेस्को की इस बदमाशी के खिलाफ महाजर कौमी मूवमेंट अपने लीगल जो टीम है उससे मुशावरत के बाद कानूनी चाराजोई करेगी। और उस सिलसिले में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को हिदायत की है कि वो इस शहर के लोगों से रब्ता करे और जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है उन लोगों की एप्लीकेशन जमा करें ताकि उनकी एप्लीकेशन की बुनियाद पर हम अदालती कार्रवाई कर सकें। इसलिए कि इस तरह शहर को लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता, हैस्को की गुंडागर्दी पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। हैस्को जिसको चाहती है मनमानी बिल हाथ में थमाकर मजबूर करती है कि वो पे किए जाए, और अगर वो बिल पे करने की पोजीशन में कोई ना हो तो गुंडों के साथ डिस्कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन को आ जाते हैं। पीएमटी अगर ख़राब हो जाए तो उसके पैसे वसूल किए जाते हैं। जब हम सर्विसेज चार्जेस दे रहे हैं, जब हम तमाम बिल पे कर रहे हैं, तो किसी भी फॉल्ट को दूर करने की जिम्मेदारी तो इदारे की है। अगर वो फॉल्ट दूर करने के लिए भी हम पैसे देंगे तो फिर हम बिजली के बिल और सर्विसेज चार्जेस किस बात के दे रहे हैं? हमें इस पर कानूनी कार्रवाई करनी है। उसके लिए हमने अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, अपने जिम्मेदारों को हिदायत की है कि वो जो विक्टम्स हैं हैस्को के उनसे रब्ते करें और उनके बिल और उनकी एप्लीकेशन कलेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप तमाम हजरात यहाँ तशरीफ लाएँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं इस सिलसिले में आपकी कोई तश्नी की रह गई हो गुफ्तगू में मेरी और कोई सवाल आप करना चाहें तो कर लीजिए, तो मैं आपको उसका जवाब दूँगा। अफक भाई ये बताइए कि शहरी इलाकों के मसले इनका हल करने का जरिया क्या है, किस तरह हल होंगे? आप माजी में जो है जनूबी माजे सूबे की बात करें, मैंने आज भी इसको ख़त्म नहीं किया, उसका एक केस अभी भी मेरे ख्याल शायद आपकी आईनी पटिशन अभी भी होगी जी है, तो उस पर क्या बात आगे बढ़ी और क्या इस हवाले से आप मुतहद कौमी मूवमेंट PSP या कुछ इस तरह जो जमातों के साथ अलाइंस बनाएंगे बनाने का कोई इरादा रखते हैं या कोई पेशर हो सकती है? देखिए मैं वादे तौर पर पहले भी कह चुका और अब भी कह चुका कि सिंध गवर्नमेंट के जो रवैया महाजर आवाम के साथ रहा है, सिंध के शहरी इलाकों के साथ रहा है, और हम जिस तरह बैनुल अक्वामी सतह पर एक मुसल्लम उसूल रहा है कि नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेस, अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है और हम टैक्स दिए चले जा रहे हैं तो हम उस एग्जांपल को सामने रखकर इस मुतालबे में हक बजाने में कि जब हम टैक्स दे रहे हैं और हमारे ऊपर खर्च नहीं हो रहा तो हमारे पास इसके अलावा कोई और हल है ही नहीं कि हम सूबे के हुसूल की जद्दोजहद करें, और सूबे के हुसूल के लिए हमें लोगों से रब्ता करना पड़ेगा, हम रब्ता करेंगे। अगर हमारे पास हमारे वसाइल को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का हक नहीं है तो हम अपने शहरों को इस बर्बादी से बचा नहीं सकते, हम अपने लोगों के मसाइल हल कर नहीं सकते। हम भी उसी तरह जिस तरह तमाम कौमियतें अपने वसाइल पर अपना हक रखती हैं और अपने वसाइल को अपनी मर्ज़ी से अपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करने का उनके पास हक हासिल है, वही हक हम भी चाहते हैं, और वो बग़ैर सूबे के उसूल के मुमकिन नहीं है। इसके अलावा कुछ जहन में सवाल अगर आपके हैं तो अफ़ाज़ भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान कराची के मसाइल के हल के लिए जो मुफाहमत कराई गई है या मुफाहमत का जो मामला चल रहा है, आप समझते हैं कि ये कराची के मसाइल का हल है? देखिए ये कोई हल नहीं है, सियासी इख्तलाफात हर जमात में होते हैं और ज़ाहिर है कि अगर सियासी इख्तलाफात ना हो तो मुख्तलिफ जमातें ना हो फिर एक ही जमात हो, ज़ाहिर है नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात की वजह से ही मुख्तलिफ सियासी जमातें इस पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। बात यह है कि आपने वक्ती तौर पर मिठा ज़रूर दिया लेकिन ये मसले का हल नहीं है। सवाल तो ये पैदा होता है कि जो लोग
इस पोजीशन में है कि वो पीपल्स पार्टी मुतहदा और तहरीक इंसाफ को एक टेबल में बिठाकर मजबूर करें कि आप मिलकर काम कीजिए, तो वो इस पोजीशन में भी तो हैं कि वो ये सवाल करें कि इस पाकिस्तान के अंदर कराची शहर अगर 70% रेवेन्यू 73% रेवेन्यू वफाक को दे रहा है तो वफाक ने उसमें से उसको कितना हिस्सा दिया। जो लोग टेबल पे बिठाने की पोजीशन में वो ये सवाल भी तो कर सकते हैं कि सिंध के बजट का 90% अगर कराची दे रहा है तो उसको क्या मिल रहा है। जब तक उसको उसका जायज हक नहीं दिलाएंगे सियासी पार्टियों को टेबल पे बिठाने से मसले हल नहीं होंगे। देखिए बात यह है कि कराची आज मेरे हाथ में नहीं है। कराची पे अगर मेरा इख्तियार हो, मेरा शहर है, अगर मेरे शहर पे मेरा इख्तियार नहीं है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर आपका इख्तियार हो या किसी और का इख्तियार। देखिए मेरा ख्याल ये है कि कराची इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वो भी लाइन लॉसेस जो है वो किस पर डालती है, मीटर होल्डर्स पर। मेरा अपना मानना ये है कि महाजर खानदानों को मैंने 3 नस्लों को किराए के मकानों में रहते हुए देखा है, लेकिन महाजर कौम की रिवायत नहीं है कि कीकर के कूटे गाड़ के उस जमीन को अपने बाप की मिल्कियत समझ ले और मकान बना ले। महाजर इंक्रोचमेंट नहीं करता, कच्ची आबादियों में बगैर मीटर के कुंडा सिस्टम जो चल रहा है, बिजली वहां चोरी हो रही है, उस चोरी की बिजली की अदायगी मैं और आप कर रहे हैं जो मीटर होल्डर्स हैं, चाहे वो हैस्को की हो चाहे वो के इलेक्ट्रिक की हो। जो लोग चोर कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, इसलिए कि वो अपनी कौम अपनी बिरादरी के लोगों की चोरी को छुपाना चाहते हैं और हमारे सर डालना चाहते हैं। महाजर अवाम ना चोर है ना इसने कभी इंक्रोचमेंट की है। जाओ पूरे शहर के अंदर देखो कि इंक्रोचमेंट किसने की, कहाँ कुंडा सिस्टम चल रहा है। ये आपकी आबादी है, यहाँ कुंडा सिस्टम है, यहाँ मीटर होल्डर्स हैं सारे के सारे, और इन मीटर होल्डर्स के ऊपर तमाम लाइन लॉसेज जो है वो तकसीम कर दिए जाते हैं। तो लोगों की चोरी का खामियाजा, लोगों की चोरी का भुगतान भी हम भुगत रहे हैं। जो लोग चोरी कर रहे हैं उनकी चोरी पर पर्दा डालने की बजाय आपको, आपका फर्ज यह है, सिंध गवर्नमेंट का फर्ज यह है, वफाक का फर्ज यह है कि अगर आज आप ये कहते हैं कि NDMA को बुला के आप नालों पर से कच्ची आबादियां खत्म करवाइए, बात यह कि कच्ची आबादियां तामीर किसने करवाएंगी उस शहर में, महाजिर आबादी को अकलियत में तब्दील करने के लिए हौसला अफजाई किसने की थी बाहर से आने वालों को वहां बसाने की, और जब वहां लोगों को बसाया तो आज आप उनसे तवक्को रखते हैं कि वो अपने हाथ से उनको हटा देंगे। मैं लिख कर देता हूं कि वहां से इंक्रोचमेंट को कोई नहीं हटा, इसलिए कि वो इंक्रोचमेंट हमें अकलियत में तब्दील करने के लिए मंसूबाबंदी के तहत करवाई गई थी, और वही लोग तमाम के तमाम गुंडे के ऊपर बिजली चलाते हैं। मुझे याद है मेरा एक साथी TMO की हैसियत से किसी जगह पर तैनात था, उन्होंने महाजर आबादी में बिल्डोजर ला के घेर दिए और किचारों के छोटे छोटे पथारे और केबिन सब मसमार कर दिए। लोगों का कारोबार तबाह हो गया, वो रो रहे थे। मेरे पास आए, मैंने कहा कि मैं बुलाता हूँ TMO को मैंने बुलाया और मेरे पुराने साथी थे, मैंने उनसे कहा कि ये आपने क्या किया, गरीबों को आप कम अज़ कम वॉर्न करते, उन्हें कोई ऑल्टरनेट, आप उनको कोई कारोबार का जरिया फराहम करते जिस तरह बाकी माशरे में होता है। उन्होंने कहा मैंने इलाका क्लियर कर दिया, उसी इलाके से मुझे कई इलाका है जहां पर इंक्रोचमेंट करते 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 रोड इतना नैरो कर दिया गया है कि वहां अगर एक गाड़ी चल रही है तो एम्बुलेंस ओवरटेक नहीं कर सकती, ऊपर से ले जाने की कोशिश कर लीजिए आप, ओवरटेक नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि यहां से मरीज ओवरटेक नहीं कर सकती एम्बुलेंस, लोग मर जाते हैं, आप यहां पर कम से कम नोटिस जारी कर दीजिए। वो बहुत जोर से हंसे थे और उन्होंने हंसकर मुझसे कहा कि इतना सा काम है, और उसके बाद उन्होंने उस इलाके के अंदर नोटिसेस जारी कर दी। नोटिसेस जारी करने पर उनको आके यूनिफॉर्म में मां बहन की गालियां दी थी लोगों ने। उसके बाद आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इंक्रोचमेंट किसने करवाई थी। ये इंक्रोचमेंट गैर महाजनों की हमारी आबादियों में, हमारी बस्तियों में हमें अकलियत में तब्दील करने के लिए करवाई गई, और ये दानिस्ता इकदाम था। और आज उन तमाम कच्ची आबादियों के बिजली के चोरी के बिल मैं और आप अदा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिंसियर है
और वो मसाइल को हल करना चाहती है और वो इंसाफ पसंद है, तो मेरा जैसा आदमी जिंदगी भर मजदूरी और जिंदगी भर मुलाजमत करने के बाद अगर कुछ पैसे जमा करके टेसर टाउन जैसे इलाके के अंदर प्लॉट खरीदता इंक्रोचमेंट करने की बजाय, तो उसमें और एक कीकर के खूंटे गाड़कर जमीन घेरने में फर्क होना चाहिए। मैं जमीन खरीद रहा हूँ, उसके बावजूद मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, और वो शख्स कीकर के खूंटे गाड़कर जमीन के ऊपर अपनी मिल्कियत साबित कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई की जा रही है। कम अज़ कम सिंध गवर्नमेंट, कम अज़ कम फेडरल गवर्नमेंट इनकी हौसला शिकनी करने के लिए कोई कानून तो बना सकती है कि जिन लोगों के पास हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के नक्शे नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है, उनको यूटिलिटी सर्विसेज फराहम नहीं की जाएंगी ताकि उनकी हौसला शिकनी हो, के इलेक्ट्रिक हो, गैस हो, पानी का कनेक्शन हो, किसी चीज़ से कोई इंक्रोचमेंट वाला महरूम नहीं है। आप किसी भी जगह चले जाइए जहाँ पर आबादी की आबादियाँ लोगों ने घेर के बना ली, वहाँ बिजली के कनेक्शन भी मौजूद हैं, वहाँ पर पानी के कनेक्शन भी मौजूद हैं, वहाँ पर गैस की सहूलत भी मौजूद है, तमाम सहूलतों से आराम से। तो जो शख्स ज़मीन खरीदे बगैर भी तमाम सहूलतें हासिल कर रहा है और जो शख्स जिंदगी भर की कमाई से प्लॉट खरीद के ये सहूलत हासिल कर रहा है, उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर शहर के मसाइल हल करना चाहते हैं तो महाजिर अवाम से खौफजदा होकर उसको अकलियत में तब्दील करने के लिए जो पूरे पाकिस्तान से ला के हौसला अफजाई की जा रही है और लोगों को बसाया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान के तमाम शहरियों का है, पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान के हर हिस्से में आके आबाद हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी वही कानून होना चाहिए जो मेरे लिए कानून, वो कानून से मुबर्रा कानून से बालादर नहीं होना चाहिए।